दोस्तों आज ये क्रिसमस का दिन, तो आप सभी को मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस। और साथ ही साथ सोमवार का दिन है तो टेक अपडेट्स ज्यादा रहेंगे, तो ये करके सारे टेक अपडेट्स देखते हैं। तो मेरा नाम विशाल सोनी, आप देख रहे टेक टॉक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला अपडेट उन यूजर्स के लिए आ रहा है जो यूज करते हैं वन प्लस फाइव स्मार्टफोन। यहाँ पे वन प्लस फाइव ने दे दिया है एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट अपने ऑक्सीजन ओएस 5.0 ओटी अपडेट के थ्रू। जिन यूजर्स को ये अपडेट मिल चुका है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला है तो उन्हें जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल गया है जियो की तरफ से, जहाँ पे ये साल हो गया खत्म और जियो ने क्रॉस कर लिया 160 मिलियन सब्सक्राइबर। जियो ने सब स्टार्ट किया था सेप्टेम्बर 2016 से, जहाँ पे दिया था उसने 6 मंथ्स तक फ्री डेटा, और साथ ही साथ दिया था उसने अनलिमिटेड कॉल्स, रोमिंग और SMSs। और यहाँ पे दिया था 6 महीने के बाद कम कीमत पे ज्यादा डेटा, जिसने कम्पीट किया था टेलीकॉम मार्केट से। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट आ रहा है वोडाफोन की तरफ से, जो कि ट्राई कर रहा है जियो को बीट करने को। यहाँ पे आपने जियो के नए प्लान के बारे में सुन रहेंगे, जो है 199 और 299 का प्लान। और आप नहीं जानते कि जियो का प्लान क्या है तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने ब्लॉग लिखा है, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे वोडाफोन ने अनाउंस कर दिया अपना नया प्लान 198 का, जहाँ पे आपको मिलता है रोज का 1 GB डेटा और साथ ही साथ 100 SMS हर रोज के, और यहाँ पे मिलता है अनलिमिटेड कॉलिंग 28 दिनों तक। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट आ रहा है वन प्लस की तरफ से, जहाँ पे आपने सुना ही होगा वन प्लस 5T में आपको मिलता है फेस अनलॉकिंग का फीचर, जो कि काफी फास्ट एंड एक्यूरेट है। अब आपको ये फीचर देखने को मिल सकता है वन प्लस 5 में भी, जहाँ पे आप अपने फोन को अनलॉक कर सकोगे अपने फेस की मदद से। यहाँ पे अगला अपडेट आ रहा है नोकिया की तरफ से, जहाँ पे नोकिया शिप कर चुका है 16 मिलियन फोन अपने 2017 के थर्ड क्वार्टर में। असल में नोकिया के फोन आते बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग और प्राइसिंग अच्छी हो तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। अगला अपडेट आ रहा है शाओमी के नंबर वन मी फैन सेल के लिए, जो कि चालू है ऑनलाइन 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक, जहां पे आपको मिल रहे हैं काफी कमाल के डील शाओमी डिवाइसेस पर और साथ ही साथ एसेसरीज पे। अब यही चीज आ चुका है ऑफलाइन मार्केट में उनके मी होम्स के थ्रू। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट आ रहा है गूगल पिक्सल 2 डिवाइसेस के लिए, जहाँ पे कुछ पिक्सल 2 पिक्सल एक्सेल 2 डिवाइसेस में कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि जहाँ पे वर्ड्स विद फ्रेंड्स 2 ऐप यूज करने के बाद नाउ प्लेइंग सॉन्ग में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। गूगल ने कहा है कि इसे वो जल्दी से जल्दी फिक्स कर देंगे। यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है व्हाट्सएप की तरफ से, जहाँ पे व्हाट्सएप ने बोला कि यहाँ पे कुछ डिवाइसेस है जहाँ पर व्हाट्सएप चलना बंद हो जाए 31 दिसंबर के बाद से। यहाँ पे पहला नाम निकल के आ रहा है ब्लैकबेरी डिवाइसेस का, जहाँ पे ब्लैकबेरी टेन का OS है। और यहाँ पे दूसरा नाम निकल के आ रहा है विंडोज डिवाइसेस का, जहाँ पे विंडोज 8.0 का OS है। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है फिर से वन प्लस के लिए, जहाँ पे ये रूमर्ड है कि वन प्लस 6 में हो सकता है अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, और जो कि लॉन्च होने वाला है मार्च 2018 में। और यहाँ पे पहले से ही क्वालकॉम और सिनेप्टिक्स ने अपने अंडरस्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर के हार्डवेयर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। दूसरे यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है क्वालकॉम की तरफ से, जहाँ पे क्वालकॉम ने कैलिफोर्निया में स्टार्ट कर दिया है सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग। दूसरे यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है BSNL की तरफ से, जहाँ पे BSNL अपनी 4G सर्विसेज स्टार्ट करने वाला है केरला में इस जनवरी के महीने से। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें ताकि उन्हें भी टेक अपडेट्स मिलते रहे। अगर आपके मन में कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे।